हम लोग कहना ये चाह रहे हैं, हम लोग डीसीसी का एंट्रेंस एग्जाम देकर हाई रैंकर्स वाले को ही पीएमसी अलॉटेड होता है। हम लोग दिन रात पढ़ाई क्यों किए थे? हम लोगों ने पीएमसी में एडमिशन लिया था और डायरेक्ट हमें बोला जाता है कि आप सदर अस्पताल में चल जाओ। यहाँ तक कि हमारे पेरेंट्स को सूचना नहीं दी जाती है, और जब हम लोग का हॉलीडे होता था ना तो बिना हमारे पेरेंट्स को घर नहीं जाने दिया था। अब हमारे पेरेंट्स को बिना अनुमति के सदर अस्पताल में भेजा जा रहा है, वो सदर अस्पताल, क्योंकि वहाँ का जो एरिया है। वैसे भी अगर आप 5500 करोड़ जितने करोड़ों का हॉस्पिटल बना रहे हो, 9 महीने से प्रयास कर रहे हो, तो उससे बेटर था ना कि कुछ पैसे लगा के आप नया हॉस्टल हम लोग के लिए बना देते पटना में, अगर आपको जगह नहीं मिल रहा है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना के गर्दनी बाग में है, और पिछले 15 दिनों से यहाँ पे ANM स्टूडेंट फेडरेशन के बैनर तले GNM बच्चों का यहाँ पे धरना चल रहा है, और पिछले 3 दिनों से ये लोग भूख हड़ताल पे हैं। और ये घटना आप लोगों को याद होगी कि लगभग 6 मई को इन लोगों को हॉस्टल में पीटा गया था। क्या कारण था, हर कारण पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये बेटियाँ DCECE का एग्ज़ाम दे के क्वालिफाई करके उसके बाद इनका काउंसलिंग होता है, इनको कॉलेज दिया जाता है PMCH, लेकिन आधे रास्ते में जब इनका जो 3 साल का कोर्स है, जब वो लगभग 1.5 साल तक पहुंचता है, तो इन बच्चों को हॉस्टल चेंज करने के लिए कहा जाता है। हॉस्टल ही नहीं, कॉलेज को चेंज करने को कहा जाता है। इनको वैशाली जिला के राजा पाकर में बोला जाता है कि आप वहाँ पे शिफ्ट हो जाइए, अब आपकी पढ़ाई वहाँ होगी, जबकि ये बच्चियाँ PMCH में काउंसलिंग कराई है, तो इनको पूरा अधिकार है कि वो PMCH में ही पढ़े। यहाँ पे हॉस्टल का कुछ हॉस्टल तोड़ के नया हॉस्टल बनाया जा रहा है, और इसी को इश्यू बना के, इसी को कारण बता के इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जब ये बच्चे प्रतिकार करते हैं तो इनको बुरी तरह से पीटा जाता है, जेंट्स पुलिस इनको पीटती है, और सारी तस्वीर इस बैनर में आपको दिखेगा, और भी स्क्रीन पर मैं उस तस्वीर को जरूर दिखाऊंगा। बच्चे 3 दिन से धरना पे हैं, 3 दिन से भूख हड़ताल पे हैं, लेकिन किसी को कोई सुध नहीं है। क्या हालात है इनका, कोई पूछने वाला नहीं है। इनके जो प्रतिनिधि, इनके जो अफसर इनके लिए जो चयनित किए गए हैं बातचीत करने के लिए, वो भी आते हैं और इनको उल्टे धमकी देते हैं। कोई आश्वासन अब तक नहीं मिला है। पिछले 1-1.5 महीनों से इनकी पढ़ाई बाधित चल रही है, मानसिक तौर पर भी ये परेशान है। वहीं एक और सरकार और बिहार सरकार प्लस केंद्र सरकार दावा करती है कि बेटी को पढ़ाओ, बेटी को बढ़ाओ, बेटियां पढ़ेगी तभी देश भी आगे बढ़ेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ संख्या आपको थोड़ी सी कम दिख रही होगी, क्योंकि काफ़ी उमस है, काफ़ी गर्मी है, और इतनी धूप में ये लोग बिना कोई टेंट के यहाँ पे लगातार 15 दिन से बैठे हुए हैं। बच्चियाँ हैं और दिन रात इनका धरना, सबसे अलग धरना इसलिए है क्योंकि ये दिन रात यहाँ पे भूख हड़ताल पे 3 दिनों से कंटिन्यू बैठी हुई है। कुछ बच्चियों का हालात बिल्कुल ख़राब दिख रहा है, इनका कंडीशन काफ़ी ख़राब दिख रहा है, लेकिन इसकी चिंता नीतीश जी को नहीं है। सिर्फ वह महिलाओं को आरक्षण की बात करते हैं कि हमने 50% का आरक्षण बिहार के हर डिपार्टमेंट में दिया है, लेकिन उनका कंडीशन क्या है, उनका हालचाल क्या है, उनको कैसे ट्रीट किया जा रहा है उनके कॉलेज में, उनको आधे रास्ते में किस प्रकार से कोर्स से विमुख किया जा रहा है। ये बच्चियों का सीधा मांग है कि हम जिस एग्जाम को पास करके आए हैं, जिस कॉलेज में काउंसलिंग कराए हैं, बड़ा कॉलेज है PMCH, सबका सपना होता है कि उसमें हम GNM करें, उसमें हम MBBS करें, जब उनका सिलेक्शन हो जाता है फिर उनको किसी डिस्ट्रिक्ट के सदर अस्पताल में उनको यदि कहा जाए कि आप वहाँ पे बाकी का सिलेबस पूरा कीजिए, जबकि आधा इनका PMCH में हुआ है, तो कितना बुरा लग सकता है। इनको अपना भविष्य बिल्कुल अंधेरा दिख रहा है, और शायद इसलिए ये लोग इतने परेशान हैं, आज भूख हड़ताल पे यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन अब तक सरकार इनकी सुन नहीं रही है। यही अब तक की कहानी है। कुछ बच्चे हमारे साथ होंगे, इनसे हम समझने का प्रयास करेंगे कि कितने दिन से हैं और क्या स्थिति है। और काफ़ी छोटी छोटी बच्चियां हैं, GNM की ट्रेनी है ये लोग। क्या नाम हुआ आप लोगों का? रानी, GNM स्टूडेंट, PMCH पटना। PMCH पटना की। तो क्या लग रहा है कि आप लोग को सरकार PMCH से निकाल के कहीं और शिफ्ट करना चाह रही है? बिल्कुल, हम मानते हैं, हम बाधा नहीं है। जो CM और माननीय स्वास्थ्य मंत्री का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसमें हम बाधा बिल्कुल नहीं बढ़ रहे हैं। ये तो गौरवान्वित की बात है ना कि बिहार में 5500 का यानी कि एशिया का नंबर 1 हॉस्पिटल बनने वाला, हमारे लिए और आपके लिए भी एक गौरव की बात है, लेकिन क्या वो हम लोग की लास्ट पर बनाएंगे?
देखिए ये क्या कह रही है कि पीएमसीएच अब 5500 सीट का बनने वाला है। वर्तमान में पीएमसीएच 1700 सीट बेड का हॉस्पिटल है और बड़ा हॉस्पिटल है, बिहार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। और पीएमसीएच में कहीं ना कहीं इनका काउंसलिंग हुआ है, एग्जाम पास करके आई है, तो क्यों ना इनको वहाँ पे कोर्स करने दिया जा रहा है, इनको बाकी जगह क्यों भेजा जा रहा है, यही कहानी है। और कुछ कहना चाह रहे थे आप, मुझे ये बताइए कि कब एडमिशन हुआ था उसमें? हम लोग का एडमिशन एक साल पहले हुआ है, लेकिन हम लोग से पहले भी मतलब जो हमारी सीनियर है वो भी है हमारे साथ। तो हम लोग कहना ये चाह रहे हैं, हम लोग डीसीसी का एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर हाई रैंकर्स वाले को ही पीएमसीएच अलॉटेड होता है। हम लोग दिन रात पढ़ाई क्यों किए थे, हम लोगों ने पीएमसीएच में एडमिशन लिया था और डायरेक्ट हमें बोला जाता है कि आप सदर अस्पताल में चल जाओ। यहाँ तक कि हमारे पेरेंट्स को सूचना नहीं दी जाती है, और जब हम लोग का हॉलीडे होता था ना तो बिना हमारे पेरेंट्स को घर नहीं जाने दिया जाता। अब हमारे पेरेंट्स को बिना अनुमति के सदर अस्पताल में भेजा जा रहा है, वो सदर अस्पताल जो कि वहाँ का जो एरिया है ना, कोई भी जाएगा और बताया जाता है कि वह मात्र 30 बेड का वो हॉस्पिटल है और 1700 के हॉस्पिटल में इनका एडमिशन होता है, वहाँ काउंसलिंग होता है। इनको 30 बेड वाले हॉस्पिटल में अल्टरनेटिव इनको कहीं ना कहीं भेजने का प्रयास किया जा रहा है। कारण क्या बताया जा रहा है कि हॉस्टल को तोड़ा जा रहा है, रहने का जगह नहीं, यही ना है, रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है पीएमसीएच। और वहाँ जो 30 बेडेड हॉस्पिटल है ना, वहाँ से पहले भी एएनएम के स्टूडेंट है, वो लोग अपना मतलब ट्रेनिंग करेंगे कि हम लोग करेंगे। हम लोग 200 वर्ष ट्रेंथ के स्टूडेंट हैं और वहाँ पे 30 बेडेड हॉस्पिटल पे किस प्रकार से ट्रेनिंग करेंगे? और वहाँ के भी स्टूडेंट है, एएनएम ट्रेनिंग करती है। तो हम लोग, और दूसरी बात ये कि वो जो एरिया है ना, कोई भी जाएगा तो उसका रूह तक कांप जाएगा, क्रिमिनल जोन एरिया। दिन दहाड़े खासकर लड़कियों के लिए सेफिश नहीं है। पिछले मतलब एक सप्ताह पहले एक लड़की को दिन दहाड़े मतलब ना राजा पकड़ में मारा गया था। तो हम लोग वहाँ पे ना चलिए वो ठीक है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से आप सशंकित हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपका जहाँ पे एडमिशन हुआ, जिसके लिए आप एलिजिबल हैं, वो आपका हक है, अधिकार है, फिर आपके हक को मारा जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये बनता है, यदि वो उसी राजा पाकर वैशाली में अपना काउंसलिंग कराती तो हो सकता है कि वहाँ पे आपको ठीक वहाँ भेजता तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन जब ये लोग इसके लिए एलिजिबल थे तो फिर इनको क्यों शिफ्ट किया जा रहा है? और सबसे दुखद यह है कि इन लोगों को विरोध करने पर बुरी तरह से पीटा भी गया, इनका काउंसलिंग नहीं कर पाए लोग उनको। चलिए कुछ और लड़कियाँ हैं, इन लोगों से बात करते हैं। सीधा सवाल है कि आप लोगों का एडमिशन कहाँ हुआ था? एडमिशन हमने इंट्रेंस दिया है, डीसीईसी क्वालिफाई करते हैं, टॉप रैंक जिसको आता है उसी को टॉप कॉलेज मिलता है। तो हम लोग को ही टॉप कॉलेज पीएमसीएच मिला है और हम लोग 2019 से यहाँ पढ़ रहे हैं। अभी तो हम लोग का एक साल कंप्लीट हुआ है, 2 साल का ट्रेनिंग अभी बाकी है। और उसी दौरान उसी बीच में आप कह देते हो कि आपको राजा पाकर वैशाली शिफ्ट करना है, ये तो साफ धोखाधड़ी है। एडमिशन ले रहे हो पीएमसीएच के नाम पे, भेज रहे हो राजा पाकर वैशाली। और कितना दिन आप लोग पढ़ाई कर लिए हैं? एक साल हम लोग पढ़े हैं, तीन साल का कोर्स है, एक साल पढ़े। कुछ स्टूडेंट ने तो बीच में क्यों इंटरफेंस किया जा रहा है, ये समस्या है ना। कुछ स्टूडेंट तो अभी पीएमसीएच का चेहरा भी नहीं देखी, नाम एडमिशन ले लिया गया है पीएमसीएच के नाम पे, लेकिन अभी तक चेहरा नहीं दिखा है और भेजा जा रहा है राजा पाकर, जबकि बोला भी नहीं गया था कि आपको राजा पाकर जाना है, वरना वो बच्चियाँ क्यों एडमिशन लेती पीएमसीएच में? अगर हम लोग को पहले से इन्फॉर्मेशन रहता कि अगर आगे के दिन आपको पीएमसीएच छोड़ के राजा पाकर भेजेंगे, तो जो सपना हम लोग लेके आए थे कि टॉप कॉलेज में पढ़ेंगे, ना कि सदर अस्पताल में ट्रेनिंग करेंगे, हम लोग भी नहीं लेते पीएमसीएच में एडमिशन। अदर मेडिकल कॉलेज है, एनएमसीएच है, एसकेएमसीएच है, वहाँ एडमिशन ले लेते। फिर क्यों अभी आज ऐसा दिन देखना पड़ता कि आज सड़कों पर बैठ रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पढ़ाई छूट रहा है, कभी नहीं लेते पीएमसीएच में एडमिशन अगर पता चलता कि आगे के दिन ऐसा कुछ होने वाला है। देखिए बिहार में यही सबसे बड़ा सवाल है, ना तो सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है, ना किसी कॉलेज में पढ़ाई होती है, ये बच्चे अपने बलबूते सेल्फ स्टडी करके कहीं ट्यूशन पढ़ के एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम निकालते हैं, फिर इनका काउंसलिंग होता है, फिर इनका एडमिशन होता है, फिर एडमिशन के बाद ये सोचती है, ये सपना देखती है कि हम एक बेहतर डॉक्टर बनेंगे, एक बेहतर GNM बनेंगे, नर्स बनेंगे और लोगों की सेवा करेंगे। उसके बाद इनको बीच रास्ते में जब इनका सिलेबस एक साल गुजरता है तो इनको वहाँ से कहीं और शिफ्ट करने की बात होती है। इन बच्चियों को ऐसा लगता है कि हमारा भविष्य अंधकार में है और वाकई अंधकार में है, तभी तो ये लोग तीन दिनों से भूख हड़ताल पे है। और पिछले
15 दिन से ये लोग लगातार धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, लेकिन कोई प्रतिनिधि सरकार का इनसे मिलने नहीं आता है। कोई मिलने आता भी है तो धमकी देता है कि आप लोगों को वही हल किया जाएगा जो 6 मई को इनके साथ जेंट्स पुलिस ने इनके कपड़ों को फाड़ फाड़ के पीटा था। आप उस तस्वीर में बजाबते इस बात को देख सकते हैं। तो ये बिहार के बेटियों का हाल है। एक तो बिहार में बेटियों का साक्षरता दर बहुत कम है, बेटियां पढ़ती नहीं है, अभी भी इनको शिक्षा से दूर रखा गया है। नीतीश जी लगातार 50% आरक्षण की बात करते हैं महिलाओं के लिए, उनको बराबर का दर्जा देने की बात करते हैं, लेकिन जब बेटियां खुद के बलबूते आपके सरकारी सिस्टम से ये बेटियाँ PMCH का एग्जाम नहीं पास की है, ना तो आपके सरकारी स्कूल में पढ़ाई होता है, ना आपके कॉलेज में पढ़ाई होती है, ये लोग खुद के बलबूते सिर्फ आप सर्टिफिकेट बोलते हैं, फिर भी ये बच्चियां इंट्रेंस एग्जाम निकाल के कॉलेज में एडमिशन कराती है, लेकिन आज के डेट में ये धरना पर बैठने को मजबूर है। और क्या कहना चाहिएगा, एक सवाल आ रहा था कि हॉस्टल के लिए सरकार ये भी प्रयास कर रही है कि पटना में हायर किया जाएगा, आउटसोर्स किया जाएगा हॉस्टल को, और आप लोगों को अल्टरनेट सुविधाएं दी जाएगी, इस पर क्या, कहां तक बात बनी है, किससे क्या बात हुई है? हम लोग तो ये डिमांड कर रहे हैं ना कि आप कहीं भी पटना में हॉस्टल दीजिए, हम लोग रहने के लिए तैयार हैं। वो उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है कि उनको 5500 बेड का, मतलब PMCH को टॉप हॉस्पिटल बनाना है इंडिया का, उसके लिए वो कह रही है कि तुम लोग को सफ़र करना है, सिर्फ नर्सिंग को सफ़र करना है, नर्सिंग स्टूडेंट को, मेडिकल स्टूडेंट को सफ़र नहीं करना है। मेडिकल स्टूडेंट के लिए जगह है, हम नर्सिंग स्टूडेंट के लिए उनको जगह नहीं मिला है। हमारे लिए एक्सक्यूज़ है कि टेंडर निकाला गया, किसी ने टेंडर नहीं भरा। अभी हम उनको जगह बता रहे हैं, फिर भी वो जगह देने को तैयार नहीं है। सरकार ये कह रही है कि टेंडर हमने निकाला हॉस्टल के लिए और सरकार को टेंडर नहीं मिल रहा है। कितना हास्यास्पद है कि पटना जैसे बड़े शहर में आपको आपका ऐसा सिस्टम है कि आप पे कोई बिलीव नहीं करता है और कोई टेंडर उसमें डाल नहीं रहा है। तो ये कमी आपकी है ना कि इनकी है। वैसे भी सर, आपको सफर करना होगा, आपको प्रयत्न करना होगा, ये आपकी नाकामी है और उस नाकामी को इन बच्चों के ऊपर थोपा जा रहा है। सर वैसे भी अगर आप 5500 करोड़ जितने करोड़ों का हॉस्पिटल बना रहे हो, 9 महीने से प्रयास कर रहे हो, तो उससे बेटर था ना कि कुछ पैसे लगा के आप नया हॉस्टल हम लोग के लिए बना देते पटना में ही। अगर आपको जगह नहीं मिल रहा, जो भी है, बहुत ऑप्शन है और कई ऐसे दिग्गज हैं जो हॉस्टल दे भी देंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन सरकार प्रयास करे तब तो, उसकी पॉलिसी उसकी नीयत सही हो तब तो। गुरु रहमान सर बोले कि उनके पास एक छात्रावास है जो जहाँ पे 300 स्टूडेंट आराम से रह सकती है, लेकिन फिर भी सरकार कोई एक्शन ले कंटेक्ट नहीं कर रही है, बिल्कुल नहीं कर रही है। उनको वो अपने जिद पे ही अड़ी हुई है। ये सरकार की उदासीनता है और सबसे बड़ी उदासीनता यह है कि उनके नाक के नीचे ये बच्चे, उनके बच्चे हैं। बिहार सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं, बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, कहीं ना कहीं प्रजा जनता का बच्चा ही होता है। तो ये उनके बच्चे, उनकी बेटियां हैं और अपनी बेटियां भूखे सोई हुई है। इतनी तो मानवता नीतीश जी आपको, आपके पास होनी चाहिए, इतना तो शर्म आपको होना चाहिए कि इन बच्चों से मिलते आप आके और इनका हाल समाचार पूछते, इन्हें समझाते बुझाते, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करते, क्योंकि आप ही का नारा है, बेटी पढ़ेगी तभी देश आगे बढ़ेगा, बिहार आगे बढ़ेगा। जब तक आधी आबादी हमारी आधी आत्मनिर्भर नहीं होगी यह देश और ना यह बिहार आगे बढ़ने वाला है। कुछ और बच्चों से हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? रीतिराज, GNM स्टूडेंट। क्या कहना चाहिएगा? 3 दिन से आप लोग भूखे हैं, प्यासे हैं, कोई मिलने नहीं आया? कोई हमसे नहीं मिला, मतलब 3 दिनों से हम लोग मतलब भूख हड़ताल पे बैठे हैं, अभी तक कोई नहीं मिला। 15 दिनों से हम लोग लगातार गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कहिएगा सरकार से? कहेंगे कि क्या आप इतनी ही निकम्मी है कि हम बच्चियों के लिए आपके पास क्या 2 मिनट का वक्त नहीं कि आप आकर के बता सके कि अगर आप सही है तो कैसे सही है, अगर हमारी मांग गलत है तो कैसे गलत है? चलिए, तो कितने दिन से हैं हम लोग यहाँ? 15 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और PMCH में भी हम लोग धरना। धूप है, कुछ बच्चियाँ सोई हुई है, ये लोग उठ सकती है? थोड़ा सा उठाने का प्रयास कीजिए। तो बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गया है, क्योंकि हम लोग आज तीसरा दिन है भूख हड़ताल का और हम लोग बिना कुछ खाए पिए यहाँ पे मतलब लगातार कंटिन्यूस हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यही सोच रहे हैं कि सरकार आज नहीं तो कल हमारी बात जरूर सुनेगी, क्योंकि हमारा जेन्युइन मांग है। हमने कुछ ज़्यादा नहीं मांगा है, हमने सिर्फ इतना कहा कि हमें पटना में हॉस्टल दिया जाए और PMCH, क्योंकि हम लोग PMCH के स्टूडेंट हैं तो अब PMCH में ही ट्रेनिंग करना चाहेंगे। तो बस इतनी छोटी सी मांग को सरकार इतना बहुत बड़ा बढ़ा चढ़ा दी है और हम लोग आज भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं, फिर भी सरकार हमारी बातों को अनसुना कर रही है।
तो बताइए ये समस्या सरकार की है, उसको एडजस्ट करना है। उसमें उसने एडमिशन क्यों लिया, उसने काउंसलिंग क्यों करवाया पीएमसीएच के लिए, वो एडमिशन ही नहीं लेता और एडमिशन लेके एक साल पढ़ाती है और इन लोगों को शिफ्ट करने की बात करती है। तो ये उनका समस्या है, उसके लिए बच्चे क्यों सफ़र कर रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल यही है। कितना परेशानी हो रहा है आप लोगों को, गर्मी है काफ़ी? बिल्कुल, अभी जून का महीना है, तप तपाती धूप है, गर्मी की छुट्टी हम लोगों को मतलब मिलती है इस समय में और टॉप की गर्मी चल रही है। हाँ बिल्कुल, इस समय हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे, सरकार हमें इतना मजबूर कर दी है कि हम लोग आज इस हालत पे बन चुके हैं, हमारे आगे और कुछ करने की हिम्मत नहीं जुट पा रही है। लेकिन सरकार जिस तरह से हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रही है, तो हम यही चाहेंगे कि हम और आगे लड़े। हम इस कहाँ से आते हैं आप? मेरा घर बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट है। बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट? बिल्कुल, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट के हैं और ये पटना पीएमसीएच में ही पढ़ाई करते थे। एक साल हमारा ट्रेनिंग अच्छे से हुआ। सरकार क्या चाहती है कि आपसे मिलती नहीं है, कि आपको थका दिया जाए ना? बिल्कुल, वो लड़कियों को मजबूर कर रही है कि वो उग्रवादी बने, और जो बोलती है कि हम बेटी को बचाते, बेटी को पढ़ाते, कहाँ बेटी पढ़ रही है आपकी बेटी? तो आपके एक महीना से प्रोटेस्ट में लगी हुई है। हम लोग डेली यही चाह रहे हैं कि हमारा क्लास खुल जाए, हम लोग पढ़ने के लिए जैसे हम लोग पहले पढ़ाई करते थे वैसे फिर से हम करने लगे। लेकिन नीतीश जी से सीधा क्या कहिएगा? नीतीश जी से यही कहना चाहेंगे कि हम लोगों ने आपको चुन करके वहाँ पे भेजा है, हम लोग इतना एलिजिबल हैं कि हम लोग भी वोट देते हैं, लेकिन अगर जब आप हम लोगों के साथ इतना दुर्व्यवहार कीजिएगा तो कभी ना कभी आपके साथ भी कुछ ऐसा होगा जो आपको आपका पद छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग इतने एक महीना हो गया और आप हमारी बातें सुन नहीं रहे हैं, और ज़्यादा बड़ी मांगी तो नहीं है, इतना बड़ा पटना है, ऐसा नहीं है कि पटना में 200 स्टूडेंट के लिए हॉस्टल नहीं मिलेगा, ये सुनने में ही शर्मनाक बनती है। और आप खुद एक सीएम हैं और आप ये छोटी सी बात बोलते हैं कि पटना में हमें हॉस्टल नहीं मिल रहा है, ये कितना शर्मनाक बात है। और जब आप ही हाथ खड़े कर देंगे तो इन बच्चियों का क्या होगा, सवाल कहीं ना कहीं ये ज़रूर बनता है। और सबसे बड़ी बात ये है क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम पूनम सिंह है और जीएनएम नर्सिंग स्टूडेंट है। तो हम लोग का सेशन 20 से 23 था, डेढ़ साल हम लोग का स्टडी कंप्लीट हो गया और डेढ़ साल बाकी है, और इसी बीच उनका कहना है कि हम लोग राजा पाकर शिफ्ट हो जाएं। इसी के लिए, इसी के संबंध में एक महीने से स्ट्राइक कर रहे थे। पहले तो जीएनएम इंस्टीट्यूट के गेट के पास शांतिपूर्वक बैठे रहे, सब जगह नोटिस दिया, हमने लेटर लिखे, अप्रोच किए, बट उनका कोई रिस्पांस नहीं आया। 6 मई को उन लोग का लाठीचार्ज हुआ। एक दिन पूरी रात हम लोग पीरभोर थाना में बंद रहे, हम लोग को रखा गया वहाँ पे सारे स्टूडेंट को। पीएमसीएच प्रशासन इतनी क्या बताएं, वो हॉस्पिटल इतना ख़राब हो चुका है, लड़कियाँ बीमार थी, लड़कियों को इतनी बुरी तरीके से मारा गया था, पैर फ्रैक्चर था, हार्ट फ्रैक्चर था उन लोग का, सर फटा हुआ था सबका, उन लोग को एडमिट तक नहीं कर रहे थे वो लोग, उन लोग का ट्रीटमेंट तक नहीं। हम लोग खुद ही हॉस्पिटल के अंदर ही, हम लोग के कुछ फ्रेंड्स लोग आए, मेडिसिन प्रोवाइड करवाए, तब जाके हम लोग खुद ही पीएमसीएच के अंदर, उनका इतना ब्लीडिंग हो रहा था सबका पैर, अभी भी फोटो में देख सकते सबका क्या कंडीशन था, और वहाँ पे हम लोग खुद ही ट्रीटमेंट करवाए। 15 दिन से तो हम लोग गर्दनी बाग में स्ट्राइक कर रहे हैं, 15 दिन से कोई देखने के लिए नहीं आया है, 3 दिन से हम लोग भूख हड़ताल पे, हम दिन रात हम लोग ऐसे खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं। कल लड़कियों का तबीयत इतना ख़राब हो गया कि सबको पानी चढ़ाना पड़ गया। आज डीए जो खान सर है, वो खान सर आके बोलते हैं कि आप लोग जाओ राजा पाकर, और यहाँ आए थे, आज यहाँ पे आए थे और 11 से 12 के बीच में आए और सबको धमका के गए कि जो 6 मई को तुम लोग के साथ किए हैं वापस करेंगे हम, और वापस उसी तरीके से मारेंगे और इस बार FIR भी करेंगे। कौन है वो? वो एक्चुअली में वो सिटी मजिस्ट्रेट है। हाँ, सिटी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो, और वो जब भी वो वहाँ पे भी पैसा खा के आए थे और यहाँ पे भी उसी तरीके से उन पे प्रेशर आया कि कहीं लड़कियाँ 3 दिन से यहाँ पे है, कोई मर गई तो उन पे केस आ जाएगा, उनकी कुर्सी खतरे में है। यही रीज़न है कि वो हम लोग के अगेंस्ट में बात कर रहे हैं। और कल लड़कियों के ऊपर जो हम लोग खुद ही ट्रीटमेंट कर रहे हैं, यहाँ से हॉस्पिटल प्रशासन आ भी रही है तो बस वो बीपी मेजर करती है, चुपचाप चली जाती है, अपना फॉर्मेलिटी आती है, निभाती है, चली जाती है। परसों रात में हम लोग 12 बजे तक यहाँ पे थे, रात में पुलिस प्रशासन कोई हम लोग की सिक्योरिटी के लिए आती तक नहीं है, लेडीज़ पुलिस 3-4 आती है, वो भी हम लोग के जब न्यूज़ वाले सब कुछ दिखाए तो उन पर प्रेशर पड़ा, तब जाके 3-4 पुलिस वाले आए। कल भी सेम कंडीशन हुआ, पूरी रात हम लोग यहीं पर बैठे हुए थे भूखे प्यासे, कोई देखने तक नहीं आता हम लोग।
को, और लड़कियों ऐसी बीमार पड़ी, वोमिटिंग हो रहा है, जो कि कुछ खाई पी नहीं, इतनी धूप में सुबह शाम रात में भी ऐसी हम लोग खुले आसमान के नीचे से खुली सड़क पर वैसे बैठे रहे। और ये एरिया कितना सेफ है वो सब जानता है। आगे आप कुछ थोड़ी दूर आगे चले जाएगा ना, सब नशेरी गंजेरी सब आपको मिल जाएंगे, और रात भर यहाँ पे सब लोग परेशान करते हैं। सिक्योरिटी को लेके भी सवाल है, और ये बिहार में न्यू नॉर्मल हो गया है, जब भी कोई धरना प्रदर्शन होता है तो सरकार अक्सर ऐसा प्रयास करती है कि इनको इतना थका दो, इनको इतना पीटो कि ये थक के हार के वापस चले जाएंगे, फिर इसकी बातें कोई नहीं करेगा। लेकिन ये बेटियां हैं, यही दुर्गा भी है, यही पार्वती भी है, और यही काली भी है, यह बैठ गई है तो अपना हक और अधिकार लेके रहेगी। नीतीश जी, यदि इन बच्चियों को कुछ होता है तो आपको जवाब जरूर देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे सलाइन लगा हुआ है, और इसी सलाइन से तीन बच्चियों का यहाँ पे, जैसा कि बोल रही थी, ट्रीटमेंट हुआ है। एक बच्ची सोई हुई है, बीमार पड़ गई है, 200 बच्चे हैं, इतनी गर्मी है, इतनी तपिश है कि बच्चियों का यहाँ रहना मुश्किल हो गया है। पेड़ के नीचे ये लोग किसी तरह नीचे में सोते हैं, 24 घंटा धरना इनका लगातार भूख हड़ताल चलता है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यह बेटियाँ कहीं ना कहीं वक्त आने पर आपको भी जवाब जरूर देगी, इसलिए वक्त रहते इन बेटियों की आवाज़ को सुनने का प्रयास कीजिए, और इनकी समस्याओं को जल्द से जल्द समाधान करने का प्रयास कीजिए। और एक ये बहुत गंभीर बात है, जिस बेटी को पढ़ाने की बात होती है, जिस बेटी को दुर्गा कहा जाता है, जिस बेटी को काली कहा जाता है, जिसको शक्ति कहा जाता है, उसके साथ सरकार इतना उदासीन है, यह कहीं ना कहीं शर्मनाक है। यह वक्त ही बताएगा कि अब आगे क्या होगा। फिलहाल आप बने रहिए नेशनल दस्तक के साथ, मैं रवि मेहता बेगूसराय बिहार से। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।